रविवार को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के चलते दिल्ली खूब जगमग रही और सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक समेत दुनिया भर के तमाम बड़े देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने हर भारतीय को गौरवान्वित होने का मौका दे दिया। इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटिश के पीएम ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ दिल्ली पहुंचे हुए थे, लेकिन ऋषि सुनक के भारत दौरे को लेकर ब्रिटिश के कई अखबारों में ऐसा आरोप लगाया गया है कि यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से नजरअंदाज किया गया है। हालांकि भारत की मीडिया में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, लेकिन ब्रिटिश मीडिया सुनक को लेकर आग बबूला नजर आ रही है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने अपने एक आर्टिकल में आरोप लगाया है कि भारत में ऋषि सुनक को तवज्जो नहीं दी गई। इस आर्टिकल की हेडिंग की शुरुआत में लिखा है, ऋषि कौन? खबर के मुताबिक G20 समिट के दौरान भारत की ओर से पीएम ऋषि सुनक को तवज्जो नहीं दी गई और इसी पर ब्रिटिश अखबार और मीडिया इस पर आग बबूला हो चुकी है। इस विदेशी मीडिया समाचार पत्र में लिखा है कि पीएम सुनक अपने भारतीय समकक्ष पीएम मोदी से मिले, लेकिन सब कुछ पीएम ऋषि सुनक के हिसाब से नहीं रहा जैसा उन्होंने उम्मीद किया था। अखबार में आगे लिखा था कि ऋषि सुनक के कार्यक्रमों में बदलाव और इसके बाद दिल्ली में G20 के दौरान हुए लॉकडाउन का जिक्र किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पीएम मोदी के साथ अपनी इस मुलाकात को काफी बेहतर बताया। ब्रिटिश अखबार ने टिप्पणी कर दी है कि सुनक को भारत में उतनी तरजीह नहीं दी गई जितनी की उन्हें उम्मीद थी। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऋषि सुनक शुक्रवार यानी 8 सितंबर को भारत पहुंचे थे। शिखर सम्मेलन में शिरकत और अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रविवार को वापस स्वदेश लौट गए। ऋषि सुनक के इस दौरे को लेकर द गार्जियन ने हेडिंग दी है, ऋषि कौन? G20 में भारत के करीब आने की होड़ में सुनक निर्धारित वरीयता क्रम से भी नीचे खिसक गए हैं, ऐसा अखबार में बताया गया है। विदेशी मीडिया में ये भी लिखा है कि ब्रिटिश पीएम शनिवार को आखिरकार अपने समकक्ष पीएम मोदी से तो मिले, लेकिन एक दिन के इंतजार के बाद और वो भी बिना किसी प्रभावशाली फोटो सेशन के। शनिवार को जब वो नरेंद्र मोदी से मिले तो ये मुलाकात वैसी नहीं थी जैसे ब्रिटिश पीएम को उम्मीद थी। विदेशी अखबार ने आगे ये भी लिखा है कि भारत और ब्रिटेन क्रमशः दुनिया की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के बीच मुलाकात एक दिन पहले यानी 8 सितंबर को ही नई दिल्ली स्थित पीएम आवास पर होने वाली थी, लेकिन कूटनीति कितनी क्रूर हो सकती है, सुनक ने इसे खुद महसूस किया होगा। सुनक को अगर पूरी तरीके से उपेक्षित नहीं किया गया हो तो तरजीह भी नहीं दी गई तो जिन्हें उन्हें उम्मीद थी। पीएम मोदी के आवास पर होने वाले शानदार फोटो सेशन के बजाय दोनों नेता वहां मिले जहां पर भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था, यानी भारत मंडपम में बने एक कक्ष में, क्योंकि पीएम मोदी का आवास अपने पूरे वैभव के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए रिजर्व था, ऐसा अमेरिकी अखबार में दावा किया गया है। विदेशी मीडिया में यह भी लिखा है कि कई लोगों का मानना है कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन अब वैश्विक मंच पर और भी अधिक अलग थलग हो गया है और ब्रिटिश पीएम सुनक को भारत में मिली कम तवज्जो से इस तर्क को और भी मजबूती मिलती है। सुनक के कार्यक्रम में बदलाव ने अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की जटिल व्यवस्था और अस्थिर राजनीति को भी प्रतिबिंबित किया है, साथ ही वैश्विक मंच पर ब्रिटेन को अपनी स्थिति से अवगत कराया है। हालांकि बैठक के बाद ब्रिटिश पीएम उत्साहित थे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई मुद्दों पर बहुत गर्मजोशी के साथ सार्थक चर्चा हुई है और उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। लेकिन इस विदेशी मीडिया अखबार में ये लिखा है कि शुक्रवार रात को होने वाली सुनक के साथ मुलाकात को रद्द करने वाले सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं थे, व्यापार अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी पहले से तय सुनक से मुलाकात को इस हवाले से रद्द कर दिया कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर शहर की कई सड़कें बंद हैं। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट हल्दीराम
या सरवना भवन भी नहीं जा सके क्योंकि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के लिए पूरा शहर बंद था, जिसके कारण उन्होंने इंपीरियल होटल में अकेले खाना खाया, जिसे सुनक ने बहुत ही दुर्लभ यानी रेयर डिनर करार दिया। अखबार ने आगे लिखा कि ब्रिटेन की अंदरूनी समस्याओं के बीच नई दिल्ली आने के बाद ऋषि सुनक की मेजबानी भारत से कहीं ज्यादा उम्मीदें रही होंगी। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक की ये पहली भारत यात्रा थी। उन्होंने खुद को भारत का दामाद भी बताया था। ऐसे में उन्हें उत्साहपूर्ण स्वागत की उम्मीद थी, लेकिन दिल्ली में शहरव्यापी बंद होने के कारण बहुत कम लोग ही सुनक से मिलने आए। सितंबर को भारत पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में जब सुनक से भारत के दामाद कहे जाने के बारे में सवाल पूछा गया, तो इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि मुझे बेहद खास महसूस होता है। मैंने देखा है कि मुझे भारत का दामाद कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये प्यार से ही कहा गया होगा। भारत एक ऐसा देश है जो मेरे बहुत करीब और प्रिय है। आपको बता दें कि ऋषि सुनक इंफोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति दिग्गज कारोबारी नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की इकलौती बेटी है। अक्षता के ऋषि सुनक से पहली मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी और इसके बाद 4 साल बाद 2009 में बेंगलुरु में अक्षता और ऋषि ने शादी की थी। अब आइए G20 समिट से ब्रिटेन को क्या मिला है वो जान लेते हैं। दोनों देश पिछले 18 महीने से अधिक समय से बातचीत कर रहे हैं। ब्रिटिश अधिकारियों को ये उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत में इस समझौते पर हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सरकार का मानना है कि इससे उस तर्क को कम करने में मदद मिल सकती है कि ब्रेग्जिट से निकलने के बाद ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हुआ है। साथ ही PM सुनक के लिए एक राजनीतिक जीत हो सकती है। हालांकि ब्रिटिश मीडिया में ये जितने भी दावे किए गए हैं उस पर भारत के मीडिया में कुछ भी ऐसा चला नहीं है, लेकिन ब्रिटिश मीडिया द गार्जियन में ऐसे दावे किए गए हैं कि PM ऋषि सुनक को भारत में नजरअंदाज किया गया। हालांकि दूसरी ओर ऋषि सुनक ये भी कहते हैं कि PM मोदी से मुलाकात के बाद उन्हें काफी खुशी महसूस हुई है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।